हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनस प्लस ईडीयू। आज हम करेंगे जनवरी 2024 का सीटेट का पेपर, पी सीरीज़ है। देखिए, ये 2.5 घंटे मिलते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर हम सीरियल वाइज बात करें कि कैसे कैसे आता है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहले आपको करने होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। पहले आपको करना होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट वन में। फिर आपको करनी होती है, जिन्होंने जिनके पास मैथमेटिक्स है उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस करनी होती है, और जिनके पास एसएसटी और सोशल साइंस है उन्हें एसएसटी या सोशल साइंस करनी होती है। फिर फोर्थ पार्ट में आपकी आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपने अगर इंग्लिश चूज़ कर रखी है तो इंग्लिश, और अगर हिंदी चूज़ कर रखी है तो हिंदी, वो करनी है आपको। और फिर फिफ्थ पार्ट में भी आपको लैंग्वेज हो या जोन से भी आपने लैंग्वेज चूज़ करी है, इंग्लिश हिंदी, वो करनी होती है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। इन दो में से चॉइस रहती है ना, ये मैथ वाले मैथ करते हैं, एसएसटी वाले एसएसटी, और जो लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं उनमें भी 30-30 के 2 पार्ट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे आपकी कि अब हमें आगे करना क्या है। देखिए, अब हम पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज आपने पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो जिसमें भी आपने चूज़ करा हुआ उसमें कर लीजिएगा। ये सब यहाँ डिटेल भरनी होती है, पर अपना नेम भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है। फिगर में, फिगर मतलब ऐसे जैसे आपके जीरो, ऐसे रोल नंबर होगा ना, 0 1 2 3, तो ऐसे ही भरना होता है, 0 1 2 3, ऐसे 1000 वगैरह में नहीं भरना होता। केंद्र भरना होता है और अभ्यर्थी को अपना नाम भरना होता है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम पेपर पे, डायरेक्ट चलते हैं पेपर पे। पहला सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का। इसमें देखिए, इसे हिंदी में बोलते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन खोलने होते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। सेकंड, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थर्ड, अंतक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात और दिया जाता है। और फोर्थ, देखा अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होते हुए। तो देखिए, मैं डायरेक्ट इस टाइम आंसर बता रही हूँ, डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। तो इसका आंसर जो बोर्ड ने माना है वो माना है थर्ड। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, मैं हिंदी वर्जन पढ़ रही हूँ, जिसने इंग्लिश पढ़ना हो पढ़ लेना। किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या? देखिए, पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड है किशोर व्यवस्था एक सामाजिक संरचना है। थर्ड है किशोर व्यवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। थर्ड है आपका किशोर व्यवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। देखिए, इसमें पहले ही गलत दिया है इन्होंने, कौन सा सही नहीं, पहला ही, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के बच्चे, मतलब जो डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, वो एक साथ किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इससे अनुभव करते हैं। करते तो हैं पर, लेकिन एक साथ जरूरी कोई है कि एक साथ ही सब प्रवेश करें, या डिफरेंट टाइम पर भी कर सकते हैं। और अडल्टनेस तो एक सामाजिक संरचना है, ये आपको पता ही है। और ये जैसे कि इन्होंने थर्ड दिया है कि प्यूबर्टी जो होती है वो सेक्सुअल वगैरह, ये भी सही है और फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता। ऑप्शन है अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधार पर ध्यान देने से है, और भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देने के लिए। तो इसका आंसर है आपका थर्ड, ठीक है।
थोड़ा ना इंग्लिश में भी पढ़ लिया कीजिए, जैसे मास्टरी गोल और इंटेंशन से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पूछना चाह रहा है। देखिए किसी भी उसमें पनिशमेंट तो कोई ऑप्शन है ही नहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में कहीं भी, कि आप क्या बच्चे को हम पनिशमेंट देंगे या कुछ करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है, जहाँ भी दिखे काट दीजिए। फिर थर्ड है एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये भी नहीं मानते ये इसमें। फिर सॉरी फोर्थ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये भी नहीं मानते इसमें। और प्रतिस्पर्धा को तो ये बिल्कुल ही नहीं मानते, तो देखते ही काट दीजिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट आएगा आपका निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षक समझ रहे हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक है। पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। सेकेंड है शिक्षा कक्षा में ज्ञान और प्राधिकारी का प्रथम स्तर होता है। थर्ड है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। फोर्थ है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। नहीं, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट आपका आता है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में क्षमता सक्षम बनती है। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें दे रखा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, सेकंड मूल संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और संरचना, थर्ड दे रेखा है स्मूथ संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, फोर्थ दे रेखा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या बीजगणित और गणना। तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की छात्रों को जानकारी के विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रेखा टू किल ए मैकिंग बर्ड मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है, सेकंड है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानायक कौन है, थर्ड है टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, और फोर्थ का है टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका आंसर दिया है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहले दिया हुआ आपको छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो इसका कारण या रीज़न क्या दिया है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो देखिए ए इसका सही आंसर दिया है जो बोर्ड ने माना है, ए ओ आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या, क्योंकि जब बच्चों को इमोशनली स्कूल से लगाव होगा कनेक्शन होगा जभी तो बच्चे उसमें सीखने के लिए भी तत्पर होंगे, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़े करें, जैसे कि थोड़ा बहुत पता चल जाता है पढ़ने से कि इमोशनल अटैचमेंट के बारे में पूछ रहा है और फिर ये कहाँ से की सिग्निफिकेंस वगैरह, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है आपका पाठ्य पुस्तकों और मीडियम में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जब हम कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं तो उसका एंकरेज कहाँ होगा। तो इसका आंसर है आपका जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठना, ठीक है। जेंडर क्या होता है, जेंडर जैसे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल को बोलते हैं जेंडर, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस करना, कि अगर हम कोई पाठ्य पुस्तक या मीडिया में जेंडर का प्रतिनिधित्व करते हैं वह किसी तरीके से किया जा सकता है, तो वो होता है कि जेंडर रूढ़ियों पे सवाल उठेगा, मतलब क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप भी इसे ही बोलते हैं मेल फीमेल में डिफरेंस करने को। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनमेय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, फोर्थ है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन
कैसे होएगा, नॉर्मेटिव होएगा, डायनामिक होएगा, ऑब्जेक्टिव होएगा, समेटिव होएगा, कैसे होएगा? तो देखिए ये होएगा डायनामिक, यानी कि हिंदी में गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ रहा है, आँख को बार बार मूंद रहा है, रगड़। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ रहा है, आँख को बार बार मूंद रहा है, रगड़ रहा है, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित है, ये किस प्रकार के संभावित लक्षण हो सकते हैं? देखिए पहला ऑप्शन दे रहेगा संचार संबंधी विकार, सेकेंड दृष्टि संबंधी समस्या, थर्ड भाषा की समझ की समस्या, और फोर्थ दे रेखा स्वालीनता विकार। तो बताइए आप कैसी प्रॉब्लम है उसे? तो उसे प्रॉब्लम है विजुअल, यानी कि दृष्टि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर इन्होंने असर्शन और रीजन का दे दिया है। क्वेश्चन है आपका कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित अभिकथन दे रेखा, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल व्यवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो फिर उसके बाद इन्होंने उसका कारण दिया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो अब हमें इसका ऑप्शन चूज करना है। तो इसका ऑप्शन है आपका पहला दे रेखा ए ओ आर, दोनों गलत है। सेकंड दे रेखा है ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता। थर्ड है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13, ये भी असर्शन और रीजन का दे रखा है। इसमें पूछा है कि अभिकथन शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दे रखा है संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन दे रखे हैं ए और आर दोनों गलत है, सेकेंड है ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लगा देती हूँ, तो इसका आंसर है का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायोगैस, 14 क्वेश्चन है वायोगैसी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पहला ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। सेकंड छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। थर्ड आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। फोर्थ छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। तो इसका आंसर है आपका थर्ड आलंबन समझ रहे हो, स्कैफोल्डिंग जो होती है, अगर जैसे हम कोई कार्य करने में यहाँ और कोई हमारी हेल्प कर दे, हेल्प मतलब कोई हाथ लगा दे साथ में, कि जैसे आप कोई मैथ के सवाल पर अटक गए और किसी ने आपको समझा दिया, और फिर आप यहाँ जैसे आप यहाँ आते तो यहाँ से हम जैसे यहाँ आते तो यहाँ से आप पहुँच गए यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं पर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के भी संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो ऑप्शन दे रखे छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। छात्रों को नियम और परिभाषा याद कराएं। थर्ड दे रखा विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न वाले कार्य तक पूरी करने को कहें। फोर्थ दे रेखा विद्यार्थियों को उद्दीपक यानी कि स्टेमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनल की विधि द्वारा सीखने के लिए क्या है? तो इसका आंसर है ए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रेखा 16 लैब बायोगेसी के अनुसार बच्चे डेस्क के साथ अंत्यक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के डेस्क हैं। तो इसका आंसर होगा पहला दे रेखा भौतिक वातावरण बस भार, सेकेंड है अधिक जानकार अन्य अंदर, थर्ड है अधिक जानकार अन्य बस बाहर, थर्ड दे रेखा भौतिक वातावरण या अंदर। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसलेक्सिया अपठन वैकल्या या डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें आंसर संवेदी शारीरिक गतिविधियों के संबंध में भावनात्मक चित्र बनाने में
या फिर न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स एंड सिंबल्स में, और फिर है साइकोलॉजी सोशलाइज विद पीयर्स। तो इसका आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी है, चलिए पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पूछा है इन्होंने। पहला दिया है कि एक रेखीय प्रक्रिया है, दूसरा दिया है उसमें ऑप्शन है एक जटिल प्रक्रिया, तीसरा दिया है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और तीसरा दिया है विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ। फोर्थ से हो गया बी सी डी, ये एक लीनियर प्रक्रिया नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन, ये भी असर्शन और वो दिया इन्होंने रीज़न। तो चलिए असर्शन और रीज़न में कर लेते हैं। पहला इन्होंने दिया अभिकथन, पहले अभिकथन में है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य और शैक्षिकरण रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। उसका कारण दे रेखा है समावेशन का दर्शन, शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, सेकंड है ए और आर दोनों सही है, ए की आर से व्याख्या करता है, थर्ड है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर से व्याख्या नहीं करता, और फोर्थ आपको ऑप्शन दिया है इन्होंने ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ। नेक्स्ट आगे चलते हैं 20 पे, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करता है, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेश का पालन, विभेदित निर्देश करना। तो इसका आंसर है एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथिक्स, यानी प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये भी असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, अब ज़्यादातर यही देने लगी। ये अभिकथन है, एक बच्चा जिस कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण दे रखा बुद्धि को बुद्धिलुब्धि की गणना, बुद्धिलुब्धि मतलब IQ हो गया आपका, की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर से व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर से व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अब 22 दे रेखा है, एक शिक्षक ने नोटिस किया कि एक उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, सेकंड छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, फोर्थ कि हमें सेल्फ रेगुलेशन नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो बताइए, तो इसका होएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में तो ये होता ही है, जहाँ बच्चे को टाइम देना हो, मैनेजमेंट करना हो, सेल्फ रेगुलेशन करना हो, तो वहाँ तो इनका चलता ही है, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में फिर अभिकथन और रीज़न आ गए। वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या ही रास्ते मिलते हैं? कारण दे रेखा विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका आंसर है आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। फिर आपका आता है जी 24 क्वेश्चन दिया है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो को एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो इसका आंसर है आप का पहला ए बी और डी सी को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने 25 पूछा है,
निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो ऑप्शन डी, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। शिक्षकों के छात्र को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक रूप से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। फोर्थ, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की करोल गिलिगन की आलोचना केंद्रीय तर्क है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहार्थ। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि इंग्लिश में ठीक लगता है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। सेकेंड है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। थर्ड है बच्चों की नैतिक क्षमताओं का अधिकांकन। और फोर्थ है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। तो सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा, सही है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं हम आगे 27 क्वेश्चन पे। 27 कहता है सुजाता नित्य बोलते हैं डांस को प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता असफलता परिहार शिक्षार्थी है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है और महारत उन्मुख अभ्यास शिक्षार्थी है। तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि जब हमें कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो हम एक्सटर्नल रूप से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इससे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए पहला दे रखा पुण्य प्राप्ति यानी कि रिट्रीवल, सेकंड अटेंशन ध्यान देना, थर्ड डिके शेयर होना, फोर्थ फॉरगेटिंग भूलना। तो इसके लिए है ध्यान देना अटेंशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं स्वायत्त नैतिकता यानी कि ऑटोनोमस मॉरलिटी, फिर दिया है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल नैतिकता, फिर पारंपरिक नैतिकता और ये फिर शम नैतिकता। तो इसका आंसर है आपका थर्ड यानी कि पारंपरिक नैतिकता, ठीक है, कन्वेंशनल मॉरलिटी। फिर आपके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिकरण आत्म संप्रत्य के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यानी कि ये कह रहा है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है विशेष छात्रों को बहुत कम उम्मीदें रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना, छात्रों में स्वेता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वेता और पहल को पुरस्कृत करना। देखिए डंड वाला तो मैंने पहले ही कहा था आप काट देना पढ़ते ही। फिर सब विद्यार्थियों से कम अपेक्षा करना, क्यों कम अपेक्षा करना, सब विद्यार्थी अच्छा करेंगे। विशेष छात्रों से कम उम्मीद रखना, क्यों भाई स्पेशल चाइल्ड से क्यों कम उम्मीद रखना, सब बढ़िया ही करेंगे। तो फोर्थ का ये तो थैंक यू। और इससे आगे जो सब्जेक्ट है SST, इंग्लिश हिंदी, उनकी वीडियो भी जल्दी आएगी।